डीएम स्वर्ष भगत ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को औरैया पंचायत के परवत्ता गांव पहुंचकर मधुमक्खी पालन की व्यवस्था देखी। इस दरमियान मधुमक्खी पालन किसान बलभद्र पंडित से बात की। इस बाबत किसान बलभद्र पंडित ने बताया कि सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान पर मधुमक्खी बॉक्स लेकर अपना कारोबार शुरू किया था, जिससे दो किस्म के शुद्ध मध का कारोबार किया जा रहा है। आज मेरे पास 150 से करीब मधुमक्खी बॉक्स का कारोबार हो रहा है, जहाँ मध लोकल क्षेत्र में ही अपना ब्रांड के नाम से बिक रहा है। इस दौरान डीएम ने कहा कि गांव में मधुमक्खी पालन से किसान समृद्ध होंगे, कर्मियों को इसके लिए गांव में व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया और कहा गया कि यह न केवल आय का जरिया है बल्कि इससे खेतों में पैदावार भी बढ़ती है। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो, DHO अमृता कुमारी, BHO विनोद यादव, BO तारकेश्वर राम, प्रखंड कृषि कोऑर्डिनेटर अजीत सिंह आदि उपस्थित थे। बांका जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 200 पहुंच है। काफी लोग इस संक्रमण को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 50 के आसपास है। सब उक्त बातें जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कार्यालय में वेश में कहा। जो भी अधिकांश केस आ रहा है कंटेनमेंट जोन और ड्रेसिंग एरिया से आ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या 22 से 28 दिन तक वहाँ पॉजिटिव केस नहीं आता है, तभी वह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से हटेंगे। प्रधानमंत्री योजना के तहत काम किए जा रहे हैं। 25 श्रेणी के तहत काम किया जाना है। पूरी गाइडलाइन आने के बाद वृहद जानकारी दी जाएगी। वहीं आपको हम बताते चलें कि जिला में 50 लाख का फंड मिला है। सैनिटाइजर बनवाने का काम बांका में हो रहा है। मास्क और साबुन पंचायत के द्वारा बांटा जा रहा है। जागरूकता व अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नरेगा के माध्यम से हम लोग उसमें लोगों को काम दिलवा रहे हैं। 50 लाख रुपए का हम लोग को एक डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड मिला है, जिसमें हम लोग अलग अलग क्षेत्र में श्रमिकों को चिन्हित कर रहे हैं। उस श्रमिक के ग्रुप समूह को चिन्हित करना है, उसमें 50% श्रमिक होना चाहिए, 50% श्रमिक होने चाहिए। तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, हम लोग एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। मुझे लगता है इस वीक में हम लोग उसका डिटेल प्लान बना करके सबको काम शुरू कराने का काम की शुरुआत हम लोग करवा सकते हैं। बांका जिला के धोरैया प्रखंड के रनगांव पंचायत स्थित बिरनिया गांव के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र द्वारा करीब 8 एकड़ भूमि में किए गए लेमन ग्रास और खस की खेती को देखने के लिए बांका डीएम स्वर्ष भगत सोमवार की सुबह बिरनिया गांव पहुंचे, जहां डीएम ने किसान के द्वारा लगाए गए लेमन ग्रास व खस की फसल की जाँच की। इस दौरान किसान ने बताया कि 5 एकड़ में लेमन ग्रास व 3 एकड़ में खस की खेती की गई है, जहां 1 एकड़ में करीब 30,000 पौधे की जरूरत पड़ती है। किसान ने बताया फसल पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर SDM मनोज चौधरी, जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव भारती धोरैया, SI गोरखनाथ राम मौजूद थे। बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें तीर लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल गांव में नेपाली यादव और लगन यादव के परिवार में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है, जिसे लेकर सोमवार को दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने हो गए। इस दौरान दो राउंड फायरिंग भी की गई। इसी विवाद में 3 साल पहले भी हत्या हुई थी। लगन यादव ने बताया कि नेपाली यादव नक्सली है, जो फिलहाल जेल में बंद है। उसकी अनुपस्थिति में उसका भतीजा बनारसी यादव विवाद को जन्म दे रहा है। सोमवार को भी हिंसक झड़प में उसके पक्ष का नागो यादव घायल हो गया। उसने बताया कि 3 साल पहले भी इसी विवाद में उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी, जिसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं गांव में पुलिस कैंप कर रही है। सर्किल इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि बेला गांव में जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुई है, जिसके बाद से पुलिस गांव में कैंप कर रही है। फिलहाल किसी भी पक्ष से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा बांका के जिलाध्यक्ष रंजीत यादव के आवास पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रंजीत यादव ने कहा, जनसंघ के संस्थापक एवं देश की अखंडता के लिए अपनी सर्वस्व निछावर करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। डॉक्टर मुखर्जी ने न केवल स्वतंत्रता से पहले देश के लिए संघर्ष किया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी देश की एकजुट के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। बंगाल, पंजाब और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष वंदनीय है। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोनू सिंह एवं शशिकांत चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी विक्की तिवारी, IT सोशल मीडिया सह संयोजक चंद्रकांत कुमार, आशीष भगत समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।